फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईपी कैमरे का आईपी मॉडिफाई कैसे करते हैं। जैसे मल्टीपल्स कैमरे हैं, 10 कैमरे, 12 कैमरे हैं, बाई डिफ़ॉल्ट आईपी देख ही होता है सब कैमरे का, तो उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं सो डैट कि आपको परेशानी ना आए। तो अभी मैं जो मॉडल लिया हूँ वो है आपका TS21 PL3 मॉडल है आपका, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल अभी है। उसके बाद ये मैं अभी इसको मैं फैक्ट्री डिसऑल्ट रिसेट करने के बाद ये मैं इसको दोबारा से मैं नया जैसे मैं ट्रीट करूँगा इस कैमरे को। तो एड आई पी कैमरे जैसे सबसे पहले जाएंगे आप, या कहीं कहीं आपको पुराने DVR में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप डिवाइस सर्च कीजिएगा, ठीक है। डिवाइस सर्च क्लिक करने के बाद इसको आप इनिशियलाइजेशन कीजिएगा। इनिशियलाइजेशन का देखिए ऑप्शन यहाँ पे है। इनिशियलाइजेशन के बाद आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको एडमिन एट द रेट 123 एडमिन एट द रेट 123 नेक्स्ट किया। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी जरूर भरिए ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं कैमरे को तो कैमरे को बाहर से खोलना नहीं पड़ेगा फिजिकली। अदरवाइज़ अगर ये नहीं भरते हैं तो आपको खोल करके फिर हार्ड डिस्क सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ईमेल आईडी। उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाना है आपको। यहाँ देखिए आईपी, यहाँ पर आपको आईपी चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी अगर 10 कैमरा है तो बाई डिफ़ॉल्ट तो कोई भी आईपी रखना चाहते हैं तो आप किसी सीरियल नंबर से उठाइए। मान लीजिए मैं रखता हूँ इसका 100.01 या 111.112, ठीक है, जिस भी नेटवर्क का आईपी हो उसी नेटवर्क में अगर आप चेंज करना चाहते हैं 2.2 तो आप कर सकते हैं, ठीक है। 1:0 सीरीज में यहाँ करना है तो 1:0 में, 2:0 में करना है तो 2:0 में, 0:0 में करना है तो 0:0 में, तो मैं ये 1:0 में कर रहा हूँ अभी से, ठीक है। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट करना है। अभी मैं देखिए लिखे डिवाइस नेशन का फिनिश्ड और ये आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। आईपी मॉडिफाई सक्सेसेड। जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे एक बार, ये देखिए, वेट कीजिए, ये देखिए स्टेटस पहले यहाँ पे क्रॉस था, ये स्टेटस ग्रीन हो गया है और ये आईपी भी आपका बदल गया। मॉडल नंबर अगर पता करना है आपको तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। सीरियल नंबर ये है आपका और मॉडल नंबर भी आ जाएगा, ये देखिए मॉडल नंबर ये है। अब मैंने सेटअप बनाया कैसे वो एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। ये स्विचेस है, ये आपके पास कैमरा है और ये हमारा, अभी मैंने DVR से किया है क्योंकि हमारे पास अभी NVR का भी अवेलेबल नहीं था जिससे वो फंक्शन आता है। NVR में भी सेम चीज़ आएगा आपको इस तरह से इनिशियलाइज लिखा हुआ, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ ना हो करके आपको इस कॉर्नर पे आपको आए, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसके डायरेक्टली लैन केबल से इसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और एक लैन केबल जो अपलिंक है, ये अपलिंक से मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है। सेम अपलिंक, एक डबल अपलिंक है, इसमें एक निकाल करके मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है DVR इनिशियलाइजेशन करने वाला तो आप सेम चीज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ से भी करना क्या है, आपको स्विचेस में लगा हुआ है आपका, सबसे पहले एक आप सॉफ्टवेयर होता है आईपी फाइंडर टूल, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आईपी फाइंडर टूल जब जैसे डाउनलोड आप करेंगे तो सिमिलरली आपको लैपटॉप से भी यही करना है। आपको करना क्या है कि आप आईपी फाइंडर टूल जब डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ ऐसा आइकन बन जाएगा, ठीक है। वो कहाँ से बनेगा, वो CVPlus साइट पे दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये आपको ओपन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आईपी बाई डिफ़ॉल्ट जो नया वाला होगा आपका 250, वो आपको 250 यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो खुल जाएगा। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कभी कभी, ये मैंने जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, इसे ये हाईलाइट हो जाएगा, ये क्लिक हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइस इन लाइन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और डायरेक्टली आप
यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल पता नहीं क्या इशूज़ आ रही है, हाईलाइटेड नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है। आप चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ से खोल सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपका लॉग इन आ गया। इस पर आप नहीं खोलिएगा क्योंकि ये एज का सिंबल है, यहाँ मेरा कर्सर जो घूम रहा है, यह हमेशा ई लिखा हुआ रहेगा और ये सर्किल पर रहेगा। ये इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको टाइप करना है 192 जो है कैमरे का जो आईपी है। मैंने आईपी डाल दिया, ये देखिए पेज खुल गया। जैसे ही आप पेजेस खुलेगा आपको ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आप क्या करना है, आपको पासवर्ड बदलना है। बिना पासवर्ड बदले हुए आप प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे आप। मैंने आप पासवर्ड यहाँ डाल दिया और ईमेल आपको जरूर, मैंने क्या बताया था, ईमेल क्या है कि आपको अपडेटेड टाइम पे है वो आप कर सकते हैं रिसेट पासवर्ड के लिए। तो मैं पासवर्ड भी डालने के लिए कर देता हूँ। इसको मैं सेव कर दिया, डिवाइस लेसन कंप्लीटेड यहाँ भी लिख दिया, ठीक है। अब इसे आप लॉग इन कर सकते हैं। अभी मैंने आईपी बदला नहीं है, ठीक है। आईपी आप यहाँ से बदलिएगा अगर आपके पास लैपटॉप है तो। सेटिंग में जाएंगे आप, नेटवर्क में जाएंगे आप, यहाँ पर आपको TCP/IP में जाना है। TCP/IP में जाने के बाद आपको फिर यहाँ से आपको आईपी बदलना होगा। मान लीजिए 111 मैंने बनाया, इसको सेव कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक फिर ये सेव हो जाएगा आपको। यह फिर यहाँ पर आपका जो है, देखिए आईपी आपको बदल गया खुद ब खुद। तो इस तरीके से दो प्रोसेस मैंने बताया इस वीडियो में, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप आईपी मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंगल सिंगल से कीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, ताकि उनका टाइम बच सके।